चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने आधिकारिक आवास में रास्ते पर बीजेपी की महिला सांसदों से मुलाकात करेगी। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बीजेपी ने मोदी से मुलाकात के लिए पार्टी सांसदों के साथ समूह बनाए हैं। पीएम मोदी ने पंढरपुर की आषाढ़ी एकादशी यात्रा का शिक्षा, संस्कार और श्रद्धा की त्रिवेणी बताया। नरेंद्र मोदी ने देवशनी एकादशी की शुभकामना देते हुए ट्वीट किया है, साथ ही एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में मोदी ने महाराष्ट्र के खूबसूरत शहर पंढरपुर और आषाढ़ी एकादशी के बीच जो विशेष संबंध है उसे बताया है। इंदिरा जयसिंह के विपक्षी सांसदों का पीएम मोदी पर पत्र बताया धमकाने की कार्रवाई। करीब 20 सांसदों ने प्रधानमंत्री लिखे पत्र में कहा है कि इन दिनों वकीलों के कार्यालय और आवासों पर छापे धमकाने की कार्रवाई है। पत्र में लिखा है कि इन दिनों वकीलों ने अपने गैर सरकारी संगठन लॉयर्स कलेक्टिव के जरिए मानवाधिकारों की रक्षा लड़ाई लड़ी है। इंडिगो के झगड़े पर सख्त हुई मोदी सरकार। सेबी पे कर रहे ये उम्मीद। देश के चर्चित एयरलाइन कंपनी इंडिगो के प्रमोटर्स के बीच की लड़ाई पर मोदी सरकार सख्त नजर आ रही है। दरअसल सरकार चाहती है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इस मामले की गहराई तक जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। मोदी सरकार ने बदल दिया कानून, 40 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशनल बिल 2019 को मंजूरी दी है। इस बिल में कंपनी पर कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी गई है। खराब मौसम का शिकार हुई एयर कनाडा की फ्लाइट। खराब मौसम की वजह से एयर कनाडा के विमान की होनोलुलु में एजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान टोरंटो से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जा रहा था। इस दौरान विमान से सवार 37 यात्री घायल हो गए, जबकि 9 यात्रियों को गंभीर रूप से चोट आई है। मेहुल चौकसी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, जब्त की 24 करोड़ की संपत्ति। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को भगोड़े मेहुल चौकसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 24 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी की ओर से मेहुल चौकसी की भारत और दुबई स्थित 24.77 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। जिला हिलेरा काना में एली और सिद्धार्थ की जबरिया जोड़ी ने जीता दिल। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की फिल्म जबरिया जोड़ी का दूसरा गाना जिला हिलेरा रिलीज हो गया है। यह एक आइटम सॉन्ग है जिसे सिद्धार्थ और एली वमराम पर फिल्माया गया है। ये यारा हिले छपरा हिले वलिया हिलेरा गाने का ही हिंदी रिमेक है। ऋतिक की सुपर 30 को देखने के गदगद हुए पापा राकेश रोशन। ऋतिक के पिता राकेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि फिल्म शानदार और इंस्पायरिंग है। फिल्म में सभी दमदार परफॉर्मेंस दी है। राकेश के बैकग्राउंड स्कोर के चलते ही विकास की इस फिल्म को मास्टरपीस बताया है। कबीर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर के बाद भी बंद हो गई शाहिद की अपकमिंग जर्सी रिमेक। राइट्स को लेकर करण जौहर की बात जर्सी के प्रोड्यूसर से नहीं बन पाई है। दिल राजू ने फिल्म के हिंदी राइट्स के लिए काफी बड़ा राशि मांगी है, जिसके कारण करण जौहर ने इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए। सुपर 30 में ऋतिक की डांस स्किन टोन पर सवाल एक्टर ने आलोचना को बताया नस्लभेदी। सुपर 30 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही एक्टर की डांस स्किन टोन पर भी सवाल उठा जा रहा है। इन सभी आलोचनों को एक इंटरव्यू में एक्टर ने नस्लभेदी करार दिया है। डांस इंडिया डांस में रात का नशा गाने पर बेबो दिखाई दी दिलकुश अदाएं। डांस इंडिया डांस में रात का नशा गाने पर बेबो ने दिखाई दिलकुश अदाएं। करीना कपूर का यह वीडियो डांस इंडिया डांस साज के मंच का है। वीडियो में करीना अपने सुपरहिट गाने रात का नशा पर डांस कर रही है। धोनी की बैटिंग पोजीशन को लेकर बढ़ के गावस्कर। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर सेमीफाइनल में धोनी की बैटिंग पोजीशन को लेकर खासे नाराज है। उन्होंने कहा है कि धोनी को 7वें नंबर पर भेजने का फैसला बेहद हैरान करने वाला था। धोनी के बैटिंग ऑर्डर पर कोच रवि शास्त्री ने तोड़ी चुप्पी। सेमीफाइनल में हार के बाद पहली बार धोनी के बैटिंग ऑर्डर को लेकर कोच रवि शास्त्री ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अगर धोनी पहले आउट हो जाते तो टीम चेंज करने में फंस जाती। धोनी के संन्यास लेने के अटलों पर यह बोली बीसीसीआई अधिकारी। बीसीसीआई अधिकारी के प्रशासक समिति के सदस्य डायना इल्लू जी ने धोनी के संभावित संन्यास को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संन्यास लेना उनका निजी फैसला है, केवल वह यह फैसला ले सकते हैं।
संजय मांजरेकर ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल में रविंद्र जडेजा की प्रतिभा की टुकड़ों में मिली बन गई, उन्हें सभी मोर्चे पर धराशायी कर दिया। हार के बाद पहली बार बोले रोहित शर्मा। टीम इंडिया के विश्व कप से बाहर होने के बाद पहली बार रोहित शर्मा ने ट्वीट करते हुए न सिर्फ हार का दर्द जाहिर किया बल्कि टीम इंडिया की गलती मानी और फैंस को शुक्रिया भी किया कि वे उनके साथ खड़े रहे। आईपीएल की प्लेऑफ की तर्ज पर हो विश्व कप। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आईसीसी को भविष्य में नॉट आउट चरण में आईपीएल शैली का प्लेऑफ लाने का सुझाव दिया है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच में बने कई कीर्तिमान। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की हार और इंग्लैंड की जीत के साथ इस मैच में कई रिकॉर्ड बने। तेज गेंदबाज मिशेल स्टॉक ने बेयर स्टॉक की आउट कर एक विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। गलत फैसलों पर अंपायर से फिर गए रॉय। सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के तूफानी बल्लेबाज जेसन रॉय के आउट होने पर खासा विवाद हो गया। जेसन रॉय को अंपायर धर्मसेना ने कैच आउट दिया और इस फैसले के बाद वो अंपायर उलझ गए। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड।